जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है, मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल के दाने क्यों लगाए जाते हैं, जानेंगे इसी के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं तिलक लगाने के बाद चावल के दाने क्यों लगाए जाते हैं। मित्रों, ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके घर में कोई त्यौहार, शादी या पूजा का समय होता है तो इसकी शुभ शुरुआत व्यक्ति को तिलक लगाकर ही की जाती है। जी हाँ, ये सबको मालूम है कि पूजा के दौरान व्यक्ति को तिलक लगाया जाता है, क्योंकि तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मगर क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि तिलक लगाने के बाद व्यक्ति के माथे पर चावल के दाने क्यों लगाए जाते हैं? मित्रों, यकीन आपके ये सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चावल के दाने माथे में क्यों लगाए जाते हैं। और गौरतलब की बात यह है कि पूजा के दौरान माथे पर कुमकुम का तिलक लगाते समय चावल के दाने भी ललाट पर जरूर लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है और क्या है इसके पीछे की वजह, आज हम विस्तार से इसको जानते हैं। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो माथे पर तिलक लगाने से दिमाग में शांति और शीतलता बनी रहती है। इसके अलावा चावल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है। वहीं अगर शास्त्रों की बात करें तो चावल को हविष्य यानी हवन में देवी देवताओं को चढ़ाने वाला शुद्ध अन्न माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार चावल का एक अन्य नाम अक्षत भी है। इसका अर्थ यह भी है, क्षय ना होने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तभी तो हम हर खास मौके पर चावल जरूर बनाते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि कच्चे चावल व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कराते हैं। वहीं वजह है कि पूजा के दौरान न केवल माथे पर तिलक लगाया जाता है, बल्कि पूजा की विधि संपन्न करने के लिए भी चावल के दानों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा में तिलक और पुष्प के साथ कुछ मीठा और चावल जरूर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि पूजा की विधि बिना चावलों के पूरी नहीं की जाती है। मित्रों, यही वजह है कि चावलों को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और माथे पर तिलक के साथ लगाया जाता है। इसके अलावा पूजा में भी कुमकुम के तिलक के ऊपर चावल के दाने इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर की जा सके या ख़त्म की जा सके। जी हाँ, इसे लगाने का उद्देश्य यही होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो सके। इसलिए मस्तिष्क में तिलक के साथ में चावल के दाने लगाए जाते हैं। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि माथे पर कुमकुम का तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर चावल के दाने क्यों लगाए जाते हैं। हालांकि अगर आप पूजा के समय माथे पर केवल तिलक लगाते हैं और चावल के दानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह सही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब से आपको हमेशा तिलक के बाद में मस्तिष्क पर चावल के दाने जरूर लगवाने चाहिए। मित्रों, अगर चावल के दाने नहीं लगाते हैं तो वह तिलक अधूरा माना जाता है और हमारे आसपास की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा में हमें तब्दील करने के लिए मस्तिष्क पर चावल के दाने लगाने जरूरी होते हैं। मित्रों, केवल तिलक लगाने से पूजा पूरी नहीं, बल्कि नकारात्मक जो भी हमारे आसपास भटकती रहती है वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास से दूर चली जाती है। इससे हमारे पास की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हट जाती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से हमें अपने जीवन में सफलताएं मिलती है और साथ में हमारे बिगड़े हुए कार्य भी बनते हैं। ऐसे में जब भी आप तिलक लगवाएं माथे में, उसके साथ में चावल के दाने जरूर लगवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी को जानने के बाद आपको चावलों का महत्व पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मित्रों, ये थी विशेष जानकारी मस्तिष्क पर तिलक लगाने के बाद में चावल के दाने क्यों लगाए जाते हैं, संपूर्ण जानकारी के साथ में। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, जय श्री श्याम।